नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। समय की बड़ी ब्रेकिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में सीएम यूटी के बन चुके हैं, उनको लेके आ रही है। उनकी मिनिस्ट्री में जम्मू के बेटे डोगरा सतीश शर्मा जो है वो उनको मिनिस्ट्री मिली है। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बाकी मिनिस्टर्स हैं, नाम सिर्फ सतीश शर्मा का क्यों लिया जा रहा है? सतीश शर्मा को जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, सतीश शर्मा जिसने खुद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी और बड़े दिग्गज जो थे उनके सामने थे, जहां भाजपा जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, राजीव शर्मा उनके प्रत्याशी थे, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और उन्हीं के क्षेत्र से बड़े लीडर ताराचंद साथ थे, और वहीं भाजपा के अलग होकर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे समाज सेवी नरेंद्र सिंह बाबू, तो उन सबको पछाड़ के जो है छंब में सतीश शर्मा ने एज एन इंडिपेंडेंट एमएलए सीट निकाली, और वहीं मिनिस्ट्री के तौर पे जो है वो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में उनको शामिल कर लिया गया है, और उनकी जो है वो आज शपथ जो है वो हुई है। गौरतलब है कि सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के साथ साथ सतीश शर्मा को मिनिस्ट्री में जो है वो शामिल किया गया। इसके अलावा जो है वो चार और लोग हैं जिनको मिनिस्ट्री में शामिल किया गया, और इन चार लोगों में से मैं बता दूं आपको कि जम्मू के तीन लोगों को, यानी कि टोटल जो कैंडिडेट हैं वो पांच हैं, उन पांच कैंडिडेट्स में जम्मू के तीन, जम्मू संभाग से तीन लोगों को जो है वो मिनिस्ट्री में शामिल किया गया। सुरेंद्र चौधरी जो रविंदर रैना अध्यक्ष भाजपा के रहे, उनको पछाड़ के जीत के आए नौशहरा से, उनको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ सुरेंद्र चौधरी के साथ साथ स्कीना इट्टू जो हाजीपुरा से हैं, एमएलए जीत के आए हैं एनसी की सीट से, उनको शामिल किया है। जावेद राणा बड़ा नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जावेद राणा का मेंडर से, उनको जो है वो मिनिस्ट्री में शामिल किया गया। मैं जरूर चाहूंगा कि अपनी वैल्यू ड्राइव जरूर रखिएगा। 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुई है, और लगभग 7 साल में या 6 साल में जो है वो सरकार, लोगों की चुनिंदा सरकार आई है, तो अपनी वैल्यू ड्राइव जरूर रखिएगा। जावेद दार जो है वो रफियाबाद से एनसी के एमएलए हैं, और महज एक एमएलए जो कि एनसी से नहीं है और मिनिस्ट्री में शामिल किया गया है, उनका नाम है सतीश शर्मा। शंभ से, बॉर्डर इलाके से आते हैं, और उनको जो है वो मिनिस्ट्री में शामिल किया गया है। हालांकि इसके अलावा तीन और जो है वो मिनिस्ट्री ली जाएगी, लेकिन जब काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा उस समय इनको मिनिस्ट्री में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस समय शपथ चल रही है। ये शपथ समारोह जो था वो में था शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर से, और वहां पे उमर अब्दुल्ला पहले सीएम बने जो यूटी के सीएम हैं, और वहीं दूसरी तरफ 6 साल कंप्लीट करने वाले जो जम्मू कश्मीर में असेंबली होती थी उसके आखिरी सीएम भी जो थे उमर अब्दुल्ला बने। तो अपने आप में ये एक इतिहास है, और इस इतिहास में सतीश शर्मा को जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था वो मिनिस्ट्री में शामिल हुए। हालांकि खड़गे का बयान भी जो है, प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बयान भी आया है क्योंकि उन्होंने स्टेटहुड की मांग की है, इसलिए वह मिनिस्ट्री में नहीं शामिल हो रहे। ये अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय है कि उनको मिनिस्ट्री मिली नहीं तो वो इस तरीके से टरका रहे हैं। अगर स्टेटहुड की बात है तो क्या आने वाले टाइम पे जो तीन मिनिस्टर्स जो अभी काउंसिल में इंक्लूड होने हैं तो क्या उसमें से कांग्रेस नहीं होगी? ये भी अपने आप में देखने वाला वक्त रहेगा। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये है, सतीश शर्मा को मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया गया है। जम्मू का बड़ा चेहरा है, डोगरा चेहरा है, और इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके दिग्गजों को पछाड़ कर छंब से जीते थे, और मेजोरिटी की गवर्नमेंट जो बनने जा रही है उमर अब्दुल्ला द्वारा लेड करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, उसमें सतीश शर्मा को जो है वो एक बड़ा मौका मिला। और देखने वाला वक्त रहेगा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सारी चीजों के ऊपर, लोगों के मुद्दों को पर, खासतौर तौर पे बिजली का मुद्दा, स्मार्ट मीटर का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, पानी का मुद्दा, रोड का मुद्दा, जो पिछले 10 साल से लोग आए दिन हम रोड पे धरना प्रदर्शन देखे थे, उनको एड्रेस करने में कामयाब रहती है या नहीं रहती है, या क्या रोड मैप रहता है, ये आने वाला वक्त रहेगा। बहरहाल अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।